हाँ इधर से घूम के जाते, घूम के अभी यार स्वागत करेगा Viva Padre Papa!
क्या बदल सकते हो तिकडे येतील तुम्ही हो जाईल बाइक मध्ये नंतर से चला राजाच्या या दरबारामध्ये भानू पंडितजी आणि अनिता भट इथे एक गाणं म्हणून दाखवणार आहेत सर्व गाणी भक्तांसाठी जिन्होंने पहली बार इस गाने में बात कर रहा हूँ जिसको अपनी आवाज दी है तो एक पप्पा का भजन मैं चाहता हूँ हम सब लोग इनके साथ में गाएंगे तो आनंद आ जाएगा तो आप लोग तैयार हैं सभी चलिए सोचा था बिकॉज जब बनता है ना गाना एक यू नो वाइब्स आ जाती है कि गाना बहुत कमाल करने वाला है
तो जब मैंने इसका अंतरा गाया था, जब मैंने गाना सुना था, तो मुझे लग रहा था बहुत खतरनाक वाइब्स है बारिश की। और आप देख ही रहे हो कि बारिश एक्चुअली बंद हो गई थी, लेकिन ये गाना जब से रिलीज़ हुआ तो खतरनाक बारिश स्टार्ट हो गई, तो आप वाइब्स सोच सकते हो। तो ऑफकोर्स आई एम ग्लैड टू पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, बहुत कमाल गाना है। ऑफकोर्स आसिम एंड निशा बहुत कमाल दिख रहे हैं, लोकेशन आप देख सक रहे हो, और बहुत प्यारा लिखा है, बहुत अच्छा कंपोज़ किया ऑफकोर्स भानू ने। तो ऐसी प्यारी प्यारी कंपोजिशन गाने को जब आपको मिलती है ना, तो आप वैसे ही खुश हो जाते हो और ज़्यादा एफर्ट लगा के गाते हो। तो बस बप्पा की कृपा है, हमारा गाना बहुत हिट है और आप और देख देख के उसको हिट करो। मैं तो ये सोचती हूँ कि 11 नंबर पे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको नंबर 1 लाना है अपने को। भानू, आपसे जानना चाहेंगे, लाइक पूरा गाना आपने लाइक गाया है, तो कैसा रहा कॉन्सेप्ट एंड ऑल, साथ ही आज आ पाए हैं अंधेरी के राजा में, तो पापा से और भी क्या कुछ मांगा, पापा तो सभी विघ्न हमेशा दूर कर दे। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा वसीम कुरैशी सर का, जिनकी कंपनी ने इस गाने को प्रोड्यूस किया है, और हमारे साथ दिनेश भाई आए हैं हमारी कुरैशी प्रोडक्शन की टीम से। और बप्पा के दरबार में ये तो मैं, मेरा सौभाग्य है कि आज अचानक बुला लिया बप्पा ने मुझे। रही बात गाने की, तो कॉन्सेप्ट आया हमारे सर का, मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा हम कुछ सोच रहे, बारिश के ऊपर कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा इतनी तो इस बार बारिश नहीं आई जितना बारिश के ऊपर गाने आ गए। बोलने लगे नहीं, हमारा कुछ अलग रणनीति तो नहीं कहूँगा, संगीत नीति है, तो संगीत नीति के तहत हम कुछ करेंगे। थोड़ा लेट हमने रिलीज़ किया इसलिए गाने को, और गाना आपके सामने है, बस जनता का प्यार है, जनता ही, जनता की वजह से हम लोग होते हैं। और मेरे साथ काशी कश्यप जी, वो एक पहले हुक लाइन लेके आए, आजा मिलने पहली बारिश में, फिर हमारी टीम का डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला कि आगे पीछे कुछ करना चाहिए, ये हुक लाइन अच्छी है। फिर हमने साथ में बैठ के मुकेश मिश्रा जी और मैंने साथ में लिरिक्स लिखे, और फिर गाने को, फिर तो गाना बनता चला गया भगवान की दया से। डेफिनेटली सारे गाने बारिश के हिट हैं, लेकिन ये वाला जो गाना है जो हमने एंड में रिलीज़ किया है, लेकिन ये अगले साल तक चलने वाला है, बिकॉज गाने की लिरिक्स ही ऐसी है कि आजा मिलने पहली बारिश में, तो वो तो हर साल आती है बारिश, तो वो अगले साल कई साल तक हिट रहने वाला है ये गाना। एंड आगे भी हमारे कुरैशी प्रोडक्शन से बहुत सारे गाने आने वाले हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि हम बहुत डांस नंबर, हम रोमांटिक सॉन्ग्स, बहुत सारे गाने लेके आने वाले हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप देखोगे उस चैनल में बहुत सारे खूबसूरत गाने आपको मिलेंगे, एंड यू विल लव इट। बस मैं यही आप सबसे चाहती हूँ कि यू जस्ट डू इट, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कितने DMs और कितने कमेंट्स आए हैं फैंस के कि हमें आने वाले और भी ये म्यूज़िक सुनना है। ओ माय गॉड, मतलब जैसे ही गाना रिलीज़ होने से, मतलब ट्रेलर, आई थिंक हमने पहले टीज़र लॉन्च किया था, उसके बाद से लाइक इतने DM की, सच बताऊँ तो मेरे पास तक पढ़ने का टाइम नहीं है। आई डोंट नो अबाउट आसिम एंड निशा, ऑफकोर्स दे आर द स्टार्स ऑफ द सॉन्ग, बट मेरे पास ही पढ़ने का इतना टाइम नहीं था, इतने सारे DM आए। ऑफकोर्स आसिम के इतने फ़ैन्स हैं, निशा के इतने फ़ैन्स हैं, एंड थोड़े बहुत हमारे भी फ़ैन्स हैं, तो मेरे फ़ैन्स तो ये बोल रहे थे कि मतलब दिस इज़ वन ऑफ योर ब्यूटीफुल, ऑफकोर्स आपकी आवाज़ बहुत मीठी लग रही है, दिस इज़ वन ऑफ योर बेस्ट सॉन्ग, एंड ऑफकोर्स भानू ने मुझे गवाया, तो आए मैं सबसे बड़ा थैंक किसी का करती हूँ, क्योंकि इतना प्यारा गाना जब मिलता है ना, तो सिंगर की नो अलग ही क्रिएटिविटी निकलती है। तो ऑफकोर्स वसीम सर का थैंक यू, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं हम दोनों को, बीइंग न्यू कमर ही ऑलवेज सपोर्ट अस, एंड दिनेश है, करण है, एवरीबडी, अयूब सर है, एवरीबडी फ्रॉम द टीम, आई दिल से थैंक यू आप सबका। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे लाइक आसिम एंड रियाज, ये कौन सा लीड है आपने किया? आसिम एंड निशा, आसिम एंड रियाज, आसिम रियाज एंड निशा दोनों को दोनों के बहुत है, बहुत है। हाँ, सो लाइक आने वाले दिनों में और भी कौन से नए गाने में आप उनको लोड में ऐसा कुछ काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी हैं तो जिसके अंदर हम इनको मतलब फिर से फीचर्स करेंगे। शादी आज पापा के दरबार में आए हो, सो क्या कुछ पापा से मांगा है? सी, विश तो किसी को बताई नहीं जाती है क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है, जो मांगा जाता है वो बराबर अपने मन में ही रखा जाता है, तो मन में मान लिया है, और बाकी फिर बाकी पापा की मर्जी, आगे कहाँ तक लेके जाएंगे, कहाँ तक नहीं, कहाँ तक उनका, जब तक उनका साथ है तब तक तो आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही गाने और बनाते रहेंगे, आत्मा म्यूज़िक, कुरैशी प्रोडक्शंस, ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे गाना बनाते रहेगा और बनते रहेंगे, और अच्छे ऐसे, और हमारे साथ तो टैलेंटेड लोग हैं, भानु सर हैं, अनीता मैडम है, तो और अच्छे अच्छे गाने बनेंगे, और इससे भी और अच्छे प्यारे और अच्छे गाने बनेंगे। मैसेज ये है कि पहले तो फर्स्ट फोकस ये गाने पर है पहली बारिश में, एंड मैं चाहती हूँ फिर भी आप सारे हमारे YouTube पे जितने गाने हैं वो सुनिए,
एंड वन मैसेज फॉर ऑल द सिंगर्स एंड आर्टिस्ट कि अच्छा म्यूज़िक करिए और अच्छा म्यूज़िक सुनिए. आप अच्छा म्यूज़िक सुनोगे तो अच्छा करोगे. तो उसमें से हमारा भी गाना है तो हमारा भी गाना सुनिए. ऑफकोर्स आपको बहुत पसंद आएगा. यू लव इट. दैट्स ऑल. बनो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जनता से मेरी ये दरख्वास्त है कि अच्छे म्यूज़िक में और ख़राब म्यूज़िक में. वैसे म्यूज़िक ख़राब नहीं होता है बट फिर भी क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि हर आदमी सिंगर कंपोज़र राइटर बन गया है एक्टर बन गया है. तो अच्छी चीज़ को पहचानी है मेरी ये दरख्वास्त है थोड़ी सी. और अच्छा अगर आपको कोई गाना मिलता है तो उसको सपोर्ट कीजिए. जैसा कि हमारा गाना पहली बारिश में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा गाना इसलिए बहुत अच्छा है बट असल में वो गाना अच्छा है. निशा, आसिम, सुमित भल्ला, अनीता भट्ट, हमारी पूरी टीम की उसमें मेहनत है. आप उसको देखिए. आजा आजा मिलने पहली बारिश में, क्योंकि हम हैं नंबर 1 की ट्रेंडिंग के ख्वाहिश में.